नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। उन्हें 31 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद में रहने को कहा गया है। दरअसल केंद्र सरकार दिल्ली से जुड़े अध्यादेश को पेश करेगी। गुजरात से मुंबई आ रही मेल ट्रेन में फायरिंग हुई है, इसमें 4 लोगों की मौत होने की खबर है। आरपीएफ के कांस्टेबल ने यह फायरिंग की है। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में कांस्टेबल द्वारा की गई गोलीबारी में हुई 4 लोगों की मौत के मामले में अहम खुलासा हुआ है। गोलीबारी करने वाला कांस्टेबल चेतन अपने ट्रांसफर की वजह से नाराज था। झारखंड के बोकारो में ताजा आईटी क्षमता से टकरा गया, इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। तेल की कीमतें सोमवार को 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। इस साल जुलाई के महीने में इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। खूबसूरत एक्सप्रेस सेलिना जेटली पर पाकिस्तानी क्रिटिक को अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। पाकिस्तानी समीक्षकों ने आरोप लगाया था कि सेलिना जेटली के फरदीन खान उनके पिता फिरोज खान के साथ संबंध थे। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने स्लो स्टार्ट किया लेकिन वीकेंड पर अच्छी कमाई कर ली है। तो रॉकी और रानी विदेश में भी धूम मचा रही है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एक बयान में कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे, बाला साहेब थोरात और मैं तय करते हैं तो शायद महाराष्ट्र में कुछ और ही देखने को मिलेगा। कुछ खास कहने की इसमें और जरूरत नहीं है। भारतीय स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। लंबे वक्त से क्रिकेट से दूर चल रहे बुमराह अब वापसी के बेहद करीब है। महाराष्ट्र में विरोधी पक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी मणिपुर में हुई घटना को लेकर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर ही लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।